सो गाइस पहुंच चुके हैं बेस कैंप और यहाँ हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। मेन दिक्कत है बारिश से भीगेंगे, बॉडी हीट हो रखी है तो मतलब हेडेक वगैरह तबीयत ख़राब होने के चांसेस है। अब देखते हैं कहीं पर रुकते हैं, भाई लोग तो पहुंच गए मंदिर के पास तो हम देखते हैं कहीं पर रुकने का। ये यहाँ के कुछ नज़ारे, अरे यहाँ से हल्का फुल्का मंदिर दिख रहा है, दिखाऊँ तो वहाँ मंदिर है और यहाँ व्यू देखो भाई। ये भाई लोग बहुत एक्साइटेड है, सबका फर्स्ट टाइम है हम इसे सबका सबका ड्रीम है, सबका फर्स्ट टाइम ड्रीम भी था तो हम पैदल ही आए बढ़िया करके मजे लेते हुए, तो ड्रीम कंप्लीट होने जा रहा है, कुछ ही पल में कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं ऊपर पहुंच के। यहाँ पे अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, मैंने थैंक यू उतार दिया, अभी दिखाता हूँ इसे निचोड़ के मतलब कितना पसीना बचा है इसने, ये पसीना हो रहा है, ये पूरा पसीना है, देख रहे हो इतनी मेहनत के बाद हम यहाँ पहुंचे। ये देख पसीना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जैकेट दिखा, मेरी जैकेट का कलर ही छिल गया, मेरा पसीना उतर गया गाइस। ये राजेश भाई की जैकेट के हाल देखो, अच्छे से दिखा, यहां देखो यार मेरे को नहीं आया यार उस भाई, ये बोल रहा हूं ये देख पूरा पसीना चलो भी रे रुकना अब आप आ तो गए, चालू जा तू जा। गाइस पहुंच चुके हम कैंप के पास, दोस्त का कैंप इस तरफ होगा, उसने बोला था व्हाइट बुल, अब बड़ा सा ओम नुनू हमारा वेट कर रहा है, भाई का नाम मैंने नुनू रखा है, वो ही ब्लॉगर है वैसे, उसका नाम नुनू रखा है प्यार से, नंदू नहीं नुनू। अब कॉल करते हैं, ये बड़ा सा ओम आ गया, बड़ा सा ओम। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे, और वो हमारा बाबा केदार का मंदिर वो दिख रहा है, अब नवीन वहीं से आ रहा है, हम यहाँ पे तब तक वेट करते हैं बैठते हैं। बाकी अभी तो यहाँ मतलब ठंडा शुरू हो गया भयंकर, मैंने हैंके धुला ना जो पसीने का हो गया था, मैंने धुला तो मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बर्फ पकड़ी हो गया हाथ में, खतरनाक ठंडा हो गया। तो गाइस आ चुके हैं हमारे नुन्नू भाई, ये हमारे नुन्नू प्यारे नुन्नू हमारे भाई के, भाई का भी कैंप मतलब भाई का ही कैंप है तो भाई को कॉल कर रहा था, ओम के पास करके कहाँ पे, ओम के पास में, तुम्हारा पास में यही पास में है, 150 मीटर है भाई का, मंदिर से 150 मीटर दूरी पे हमारे कैंप है। अगर आप भाई भी ब्लॉगिंग करता था, ब्लॉगिंग बंद कर दिया यार, आना चाहते हो तो आ सकते हो, मेरे दोस्त आएंगे अभी जस्ट 15 दिन बाद, कैंप का नाम बता दो, जय श्री केदार, बहुत प्यारी है, नुनू का नंबर लीक कर देंगे 7906031947 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, और बता कर सकते हो, नहीं कर देना कर देना। कौन सा फोन लिया है, लाए वही ला गए, लेकिन वासुकी ताल में मतलब 8 किलोमीटर है भाई, अब खड़ी चढ़ाई पूरी खड़ी चढ़ाई है, हमारे गाइड कर लेते हैं, अगर आप लोग जा सकते हो तो एज अ गाइड हम लोग आप लोगों के साथ जा सकते हैं। गाइस अगर कैंप में लेना है तो कैंप कुछ ऐसे हमारे जिसमें 3 बंदे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, और यहाँ से आप लोकेशन देखोगे तो चारों तरफ जो है केदार जो नगरी है यहाँ की, ये देखो, और यहाँ पे जो कैंप लगे हैं ना सारे सारे के सारे कैंप हमारे हैं, अगर आप लोग आओगे तो आयुष भाई से जो है कॉन्टेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर हाँ, डाल दूंगा हाँ, बाकी आ जाना आप लोग हाँ, बढ़िया लोकेशन भी बढ़िया है, यहाँ से ऊपर कौन सा वासुकी ताल जाने का भी बढ़िया है, 8 किलोमीटर यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर। अब भाई प्राइस भी मान ले सही लगा देगा भाई, बिल्कुल बढ़िया एकदम हाथ में। गाइस लोकेशन कुछ ऐसी है, ठीक है शाम की आरती दिखाएंगे आप लोगों को, और नीचे का कैंप दिखा देता हूँ मैं, जहाँ पे अभी ये जो 22 लोगों के साथ जो बंदे आए हुए, तो यहाँ पे इसकी चेन खोल देता हूँ, और ऐसा ही कैंप है कुछ ऐसा है, लाइट चार्जिंग वगैरह सब मिलेगी आप लोगों को, बाकी आप लोगों को आना है कैंप लेना है तो
थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद दर्शन करने हैं और अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ये। और सुबह जैसे ही आप लोग अगर अपने टेंट की जो चैन है वो खोलेंगे, तो सबसे पहले आपको बाबा जो भैरव है सामने है, तो उनके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे ठीक ये मंदिर है, हाँ भैरव बाबा जाना बोलते हैं कि अगर आप लोग केदारनाथ आए हो, अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं करें ना, तो आप लोगों की जो यात्रा है वो सफल नहीं मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप लोग केदारनाथ आते हो तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपने आयुष भाई फुल मजे में, पहली बार केदारनाथ आए हो ना? पहली बार आया हूँ भाई। तो मतलब अपना एक्सपीरियंस बताओ, जो कौरीकुंड से लेके यहाँ तक जो आपने मतलब देखा है, चीज़ें देखी है, यात्रा कैसे रही पैदल के लिए? सबसे पैदल वैसा बेस्ट है, पैदल आने में मतलब तुम्हारा वो है, जैसे हमारा ड्रीम था भाई यहाँ आना, तो हम पहुँच चुके हैं, तो हमें पता है हमने कितना झेला है, कितने मजे आए हैं नहीं आए हैं जो भी, बस थोड़ा घोड़े के उसमें दिक्कत है, थोड़ा गंदगी भी गंदगी है। अभी ये वाला रूट बन जाएगा ना, ये वाला रूट बन जाएगा, तब उसके बाद तो सही है। अगले साल से दोस्तों ये वाला रूट जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाला रूट खुल जाएगा, वन वे हो जाएगा पूरा, वहाँ से आने के लिए और उस साइड से सिर्फ जाने के लिए। आयुष भाई को भी सपोर्ट करें यार, सपोर्ट ही नहीं आता यार। बाकी नयन भाई के वो सब्सक्राइबर्स कितने अभी कितनी वीडियोस पड़ी है तुम्हारी? मेरी तो यार वैसे शॉर्ट्स में ला गया, नहीं नॉर्मल ब्लॉग्स मुश्किल से 10 भी मुश्किल पड़ेंगे, है ना? तो ठीक है, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे, मतलब केदारनाथ के लिए, तो आयुष भाई जो है आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और ये भी हमारे भाई है, इन्होंने भी थोड़ा बहुत बनाया है अपने, भाई का नाम क्या है? इसका नाम हिमांशु चौधरी, ठीक है। आगे कैमरा अच्छा है यार, लाएंगे लाएंगे बंदे अच्छे लाएंगे गाइस लाएंगे। बाकी ठीक है दोस्तों, अभी ये लोग आराम करेंगे, उसके बाद आप लोगों को शाम की आरती दिखाएंगे, ठीक है? ओके गाइस, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नवीन भाई के साथ थोड़ी देर में। ओके गाइस, गाइस अभी मैं आया था कैंप के बाहर, अपने कैंप के बाहर, कैंप मेरा वो है, ये यहाँ पे भाई लोग है। और आपको एक चीज दिखाऊं, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। सो गाइस अभी आरती शुरू होने वाली है, मतलब शुरू हो चुकी है वहाँ। सो गाइस आरती हो गई शुरू, लाइट जा रखी है, लेकिन ये देखो बहुत गया था, फाइनली सपना पूरा भाई साहब, सपना था ये, यहाँ है ना बचपन में देखा था, आज कंप्लीट हो रहा है। हर महादेव। आरती आरती आरती। अभी के लिए आरती संपन्न हुई, आरती लेते हैं। बोले बोले बोले। गाइस आप लोगों को आरती के दर्शन करा दिए। गाइस अभी हम आए थे खाना खाने मंदिर के जस्ट पीछे से, यहाँ पे लिखा है यहाँ आ सकते हो गाइस खाना खुना खाने, अलवर भंडारा, भंडारे में देखो हमें चावल मिला, हलवा मिला, वो पुल के जस्ट पास में ही है मंदिर के पीछे, मतलब मंदिर सामने सामने मंदिर है, वहां से राइट लेना है, अलवर भंडारा लिखा, अलवर भंडारा, ये बढ़िया व्यवस्था है। सो गाइस अब जा रहे हैं हम कैंप में, भाई और राजेश भाई तो दोनों रुके हैं पीस के लिए, सीढ़ियों में बैठे हैं, मैं और हैप्पी आ गए, हैप्पी की दिक्कत हो रही थी पैरों में, थोड़ा सा मतलब पेन हो रहा था, तो पेन किलर वगैरह ली, दो टैबलेट गाइस, सिर्फ दो पेन किलर दी उन्होंने, कितने की 8 रुपए की, सोचो 60 रुपए में दो, सिर्फ दो पेन किलर्स। फ्री कैंप भी है यहाँ, ऐसा नहीं है, फ्री मेडिकल वाला सिस्टम भी है यहीं पे, ओम वाले जहाँ पे ये ओम है उसी के बगल में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी जाते कैंप में, मिलते कैंप में। सो गाइस पहुंच चुके हम कैंप में, यहाँ से देखो रात का नजारा, ये सारे कैंप ही कैंप लगे हैं, भयंकर हमारा कैंप ही वाला है। ये यहाँ से लाइन लगती है, जो ये वाला है ना येलो लाइट दिख रही, ये लाइन लगती है मंदिर के दर्शन के लिए, और वहाँ मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। भाई लोग भी आ गए, भाई मिलते हैं।
सो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं आप कल सुबह।